वैल्यू है वो हम वैल्यू का बैकग्राउंड कैसे ब्लर कर सकते हैं, वो भी प्रोफेशनल तरीके है। सो चलते हैं स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले आपने क्या कर देना है, आपने कैपकट ऐप को इंस्टॉल कर देना है। सिंपली मैं यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है ऑलरेडी, आपने इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल करने के बाद सिंपली आपने उसको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है और न्यू प्रोजेक्ट है इस पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने वो वैल्यू सेलेक्ट करनी है जिसका आपने बैकग्राउंड ब्लर करना है। मैं इस वैल्यू का बैकग्राउंड ब्लर कर रहा हूँ, ये मेरी ही वैल्यू है, मैं इस वैल्यू का बैकग्राउंड ब्लर कर रहा हूँ। तो आपने भी इसी तरह वैल्यू को सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इफेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। इफेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे वैल्यू इफेक्ट का ऑप्शन है और आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने यहाँ पे ब्लर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना और इसको सेलेक्ट कर देना। आप इसकी इंटेंसिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है, अपने मुताबिक आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैं इसकी इंटेंसिटी थोड़ा कम कर देता हूँ और इसको पूरी वैल्यू तक मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है। आपने भी इसी तरह फुल वैल्यू तक इसको एक्सटेंड कर देना और जो एंड है इसको रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद आपने दोबारा बैक हो जाना है और यहाँ पे ओवरले का ऑप्शन आ रहा है, ओवरले पे क्लिक कर देना है। ओवरले पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपने उसी वैल्यू को सेलेक्ट करना है जिस वैल्यू को आपने अभी सेलेक्ट किया था। दोबारा मैं इस वैल्यू को सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको आपने एडजस्ट कर देना है उसी वैल्यू के ऊपर बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ। तो यहाँ पे बीजी का ऑप्शन आ रहा है, बैकग्राउंड रिमूव का, रिमूव बीजी, इस पर क्लिक कर देना, ऑटो पे क्लिक कर देना है। सिंपली जो आपकी वैल्यू है वो चंद ही सेकंडों में, मतलब वो उसका बीजी रिमूव हो जाएगा। सो मेरा ऑलरेडी हो चुका है, आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, ठीक है। और ये कितने एक्यूरेसी के साथ हो गए आप चेक भी नहीं कर सकते, बिल्कुल आईफोन जैसी वैल्यू हो चुकी है। सो अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वैल्यू पसंद है सो गाइस मुझे फॉलो कीजिए। ओके बाय।